रिस्क फैक्टर्स फॉर स्पाइनल प्रॉब्लम्स। ये रिस्क फैक्टर्स हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल में। इसका मतलब है नॉन मॉडिफाइबल जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, मॉडिफाइबल जो होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ताकि ये रिस्क फैक्टर्स कम हो और स्पाइन के प्रॉब्लम्स कम हो। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आता है, सबसे पहले तो है एज। जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपके कमर में या स्पाइन में जो होने वाले वेयर एंड टेयर चेंजेस है, एज रिलेटेड चेंजेस है, वो भी बढ़ते जाएंगे और आपको स्पाइन के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ स्पाइन के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल में है नहीं ज़्यादा। दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ये जानना हमें हेल्पफुल होगा कि अगर हमारी फैमिली में किसी को स्पाइन के प्रॉब्लम्स हैं तो आपको भी स्पाइन के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें मैं सबसे पहला बताना चाहूँगा स्मोकिंग के बारे में। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग आपके लंग्स के लिए हानिकारक है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए हानिकारक है, पर क्या आप जानते हैं स्मोकिंग आपके स्पाइन के लिए भी उतना ही हानिकारक है? कई सारी स्टडीज़ ऐसी की गई है जिसमें पाया गया है कि जो स्मोकिंग्स में टॉक्सिन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं स्मोकिंग में, ये आपके स्पाइन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। इसकी वजह से आपको स्पाइन के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो स्मोकिंग एक बहुत ही खतरनाक रिस्क फैक्टर है स्पाइन के प्रॉब्लम्स होने में। दूसरा है ओबेसिटी या मोटापा। अब मोटापा को इजीली अगर एक्सप्लेन करना है तो एक इक्वेशन जो हम सबको पता है, जो स्कूल और कॉलेजेस में हम पढ़े हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। अब देखो, ग्रेविटी तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, मास एक ऐसी चीज़ है, आपका बॉडी वेट ऐसी एक चीज़ है, या BMI बॉडी मास इंडेक्स ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप कंट्रोल कर सके, जिसको अगर आप कम कर सके, तो आपका फोर्स जो स्पाइन के ऊपर एक्ट कर रहा है वो कम होगा। आपकी स्पाइन के ऊपर बायोमैकेनिकल जो चेंजेस एक्ट कर रहे हैं वो कम होंगे। तो अगर आप ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, बॉडी मास को कंट्रोल कर सकते हो, तो आप ये रिस्क फैक्टर भी कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब एक जगह पे बैठे रहने की वजह से या काफ़ी इनएक्टिव होने की वजह से हमारा ओवरऑल वेट तो बढ़ता ही है, पर आपकी मसल्स भी काफ़ी इनएक्टिव हो जाती है, काफ़ी वीक हो जाती है। तो अगर आपकी कोर मसल्स, जो आपकी सेंटर की, जो स्पाइन की सेंटर की जो मसल्स है, कोर मसल्स, अगर आपकी वीक हो गई है तो भी आपकी स्पाइन को एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर फोर्सेस ज़्यादा एक्ट करेंगे, तो आपको स्पाइन के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। चौथा फैक्टर जो मॉडिफाइबल है, जो आपकी कंट्रोल में है, वो पाया गया है कि डिप्रेशन, जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको डिप्रेशन, PTSD ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये लोगों में अगर आप MRI स्कैन करोगे तो स्पाइन का काफ़ी बार नॉर्मल भी आ सकता है, पर इनको डिप्रेशन की वजह से लोअर बैक पेन का इंसिडेंस बढ़ता है ये लोगों में। तो अगर कुछ साइकेट्रिक डिजीज़ है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये भी स्पाइन के प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हो गए कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो आपकी स्पाइन के प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। तो इनको अगर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ज़रूर करें और स्पाइन की प्रॉब्लम से बचें। मैं आशा करता हूं कि आप ऑलरेडी आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे कुछ चेंजेस आपके लाइफ में ला रहे हो, कुछ सुधार ला रहे हो, और इनसे आपकी स्पाइन को भी ज़रूर हेल्प होगी। अगर फिर भी आपको ऐसे कुछ सलाह चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए जिनसे आप स्पाइन के प्रॉब्लम से बच सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, या आपको प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है और उन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए हुए ईमेल आईडी पे भी आप ईमेल लिख सकते हो, या कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया।